गोपालपुर कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा मटर की खरीदी बोली कम लगने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने मंडी के बाहर फसलों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सड़क पर खड़ा कर कृषि उपज मंडी के गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया। जाम की वजह से रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। इससे यात्री और वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे तक किसान डटे रहे। मौके पर पहुंचे थाना TI राकेश साहू ने समझाइश देकर शांत कराकर जाम खुलवाया। किसानों को समझाया गया कि तहसीलदार पहुंच रहे हैं, उन्हें समस्या बताया जाए। मौके पर पहुंचे नौगांव तहसीलदार संदीप तिवारी को बताया कि मंडी के व्यापारी किसानों की उपज मटर की खरीदी मनमाने दाम पर कर रहे हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मटर MSP 5000 के ऊपर है, इसके बाद भी मंडी व्यापारी 3000 से 3500 तक की ही बोली लगा रहे हैं। साथ ही व्यापारियों द्वारा किसानों की मटर एक समान होने के बाद भी बड़े अंतर से नीलामी बोल रहे हैं। मंडी में दोपहर 2 बजे के बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू होने के दौरान मटर के दाम कम लगने से किसानों का आक्रोश फूट पड़ा था। किसानों का कहना था कि वो कड़ी मेहनत कर फसल तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पर दाम सही नहीं मिलते, जिससे किसानों की जेब कट रही है। सौरा निवासी किसान कमलेश पाल और सोनू राजा आदि ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया के दौरान मटर के दाम सही नहीं आ रहे हैं और इसी को लेकर दोपहर करीब 4 बजे किसानों ने नीलामी बंद करा दी और मंडी गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क पर चक्का जाम किए किसानों को नौगांव तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि फसल खरीदी शुरू कराई जाएगी। जिस तरह की गड़बड़ी चल रही है, उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। इसके बाद नाराज किसान मान गए और मंडी के व्यापारियों को दोबारा नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बाद फसल की खरीदी शुरू हो सकी। किसानों का कहना था कि फसलों की तुलाई सही तरीके से हो और उन्हें फसलों के सही दाम मिले। साथ ही मंडी में नीलामी प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी तहसीलदार को सौंपा। क्या समस्या होगी किसानों को, आज जाम हम लगाया आप लोगों द्वारा? जी सर, ऐसा समस्या ये हुई है कि हम लोग जब ट्रैक्टर लेके आए हैं, जब डाक बोली गई है यहाँ पर, तो एक ट्राली वहीं जो लगी हुई है, एक सा माल है, एक का डाक बोल रहे हैं 3100 रुपये पर डाक तोड़ रहे हैं और एक ट्राली का मटर का जो भाव बना है उसका 4500-4600 रुपये डाक पहुँचती है। तो सर जी, ये रेट में असमानता दिख रही है। ये असमानता यहाँ के व्यापारियों की एक तानाशाही है, एक मनमर्जी दिखा रहे हैं और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि किसान जो कुछ तुम लोगों को करना हो कर लीजिए, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप हड़ताल करोगे नहीं बेचोगे हम पुलिस को बुलाएंगे, डंडे खलवाएंगे। मन का भाव ले और मनमानी, अपनी मनमानी हो रही है यहाँ पर मंडी में। बस कुल मिला के मटर सर, मेरा नाम अमित खरे है, मैं बोधी से आज मटर लेके आया था। तो मेरे भाई की ट्रॉली की पहली डाक हुई तो उनने मुझे कॉल किया कि अमित भैया यहाँ मंडी आओ, 2800 से 3200 तक गुप्ता लोग वानिया लोग हैं जो यहाँ खरीदते हैं वो माल खरीद जाए। तो सबसे बड़ी बात सर यहाँ की क्या है मंडी की, कि जो रजिस्टर्ड वानिया हैं 8-10 हैं 12 हैं 15 हैं, वो एक भी लोग नहीं यहाँ डाक बोलने के लिए आते। यहाँ पर 2 या 3 लोग आते जो अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, डीएल साहब के पास हैं और उन लोगों की सब मिली भगाते हैं। पुलिस को भी रुपये खबा रहे हैं, अच्छा SDM साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको खरीद कर रखा है उनने। किसानों के ऊपर आप देख रहे हैं अभी आप बीती क्या हो गई, फिर भी इन लोगों को इतना नहीं होता कि किसान का MRP कितना है। 5200 रुपये मटर का है जो अभी 2800 के लगा के 3500 तक 3600 तक डाक बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो किसानों ने आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया और अभी हमारी लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो जाके नेशनल हाईवे पे जाम लगाएंगे। जयपाल सिंह यादव कोटरा। क्या उपाय लेके आए थे मंडी? मैं मटर लेके आया था। क्या होगा तो फिर? सफेद 3200-3300 रुपये रेट मंगाया और अन्य रात का रेट यहाँ 4200 रुपये 3800 से लगा के 4200। तो यहाँ का बिल्कुल धानागिरी चल रही है, बनियों कम दाम में ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल कम दाम पे। आप लोगों ने क्या किया फिर आज? क्या बेचनी है, ट्रैक्टर खड़े हैं बस अभी किसानों के लिए सर। हाँ, मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि मंडी प्रांगण के बाहर किसानों के द्वारा कुछ जाम लगाया गया है, तो थाना प्रभारी हरपालपुर के द्वारा जाम खुलवाने में सहयोग किया गया और किसानों के द्वारा भी सहयोग किया गया है। जो मटर है, मटर के रेट को लेकर समस्या थी। किसानों का कहना ये था कि कुछ ही व्यापारी आते हैं और बहुत सीमित दाम बोलते हैं, तो नीलामी हो जाती है। तो इसी संबंध में उन्होंने अपनी समस्याएं मुझे बताई, पुनः मैंने डाक चालू करवा दी है। किसानों की समस्याओं को भी ध्यान में दिया जाएगा, व्यापारी की समस्याओं को भी ध्यान में दिया जाएगा और दोनों के मध्य एक सामंजस्य बैठा के काम किया जाएगा ताकि हमारा किसान भी परेशान ना हो
और व्यापारी ही परेशान ना। जाम खुल गया है, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारी डाक चालू। धन्यवाद सर।